अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर फोर फैक्टराइजेशन HCF एंड LCM स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन क्या है? फैक्टराइजेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ होल नंबर दैट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर इज़ ब्रोकन डाउन इनटू इट्स फैक्टर। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक होल नंबर, जैसे अगर 6 दिया गया तो इसको इसके ब्रोक डाउन कर लेना, उसको प्राइम या उसके फैक्टर्स के में उसको ब्रोक डाउन कर देना, या ऐसा नंबर कंपोजिट होना चाहिए, प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, नॉट अ प्राइम नंबर। यह हमें एक यानी एक कंडीशन दे दी गई है कि डैट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, वो प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, तब उसके फैक्टर्स बन सकते हैं, ठीक है, फैक्टराइजेशन के प्रोसेस में। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन आपको समझ आ गई। अब नेक्स्ट हमारे पास फैक्टराइजेशन दो तरह की हो सकती है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन होती है और एक कंपोजिट फैक्टराइजेशन होती है। अच्छा, अब इसमें एक एग्जांपल लेते हैं कि 60 अगर एक नंबर दिया गया, उसके फैक्टर क्या होंगे? 1 और 60 मस्ट हैं। ये हमने पढ़ा कि 1 और 60 मस्ट होते हैं दो फैक्टर। उसके बाद 2 के टेबल में इवन नंबर है ना, तो 2 से डिविजिबल होगा। अब सम ऑफ डिजिट 6 है तो 3 से डिविजिबल होगा। और लास्ट में हमें जो दो डिजिट दिए गए हैं, ये हैं ही 2 डिजिट, तो 4 से डिविजिबल भी हैं। ठीक है, तो ये 60 को 4 से डिवाइड करें तो डिवीजन हो सकती है, 4 से डिविजिबल होगा। अब लास्ट में 0 है तो 5 से डिविजिबल है। 6 के टेबल में तो वैसे ही ये 6 10s are 60 होता है, फिर 10 6s are 60 होता है, 12 5s are 60 होता है, 15 4s are 60 होता है, 23s are 50 होता है, 32s are 60 होता है, और 61 is 60। तो ये सारे इसके फैक्टर आ गए। अब इन फैक्टर्स में ये जो 2 3 5 था, ये 3 प्राइम नंबर है ना, ये इसके प्राइम फैक्टर कहलाएंगे। और जो बाकी हमारे नंबर हैं 4 5 6 10 12 15 20 30 and 60, ये इसके कंपोजिट फैक्टर हैं। 1 के बारे में नहीं बोला गया कि वो प्राइम फैक्टर है या कंपोजिट फैक्टर है। क्यों? क्योंकि 1 के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि अभी 1 ना तो प्राइम नंबर के लिस्ट में रखा जाता है, ना ही कंपोजिट नंबर के लिस्ट में रखा जाता है। समझ आ गई? तो प्राइम फैक्टर्स में 2 3 5 और कंपोजिट फैक्टर में 4 से आगे जितने रह गए थे। 1 के बारे में 1 को ना तो प्राइम फैक्टर की कैटेगरी में लाया, ना ही कंपोजिट फैक्टर की। उसकी रीज़न हमने पिछले चैप्टर में पढ़ ली थी। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे अब ये वाली जो डेफिनेशन थी बच्चे, ये फैक्टराइजेशन की है। ये वाली डेफिनेशन प्राइम फैक्टराइजेशन की है। ठीक है, इस पे हाईलाइट कर दें कि ये फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन है और इस पे प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें भी किसी भी नंबर को हम उसके प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम प्राइम फैक्टर शो करेंगे, जिसमें सिर्फ प्राइम फैक्टर शो होंगे, वो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। दी प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स सॉरी प्राइम फैक्टर्स इज नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे अगर 35 है तो इसके 2 प्राइम फैक्टर होते हैं, 5 7s are 35। ठीक है, 42 है तो उसके वैसे तो 3 6s are 42 होता है, लेकिन अब 7 6s are 42 होता है। अब 7 तो प्राइम नंबर है, लेकिन 6 को नेक्स्ट मजीद ब्रेक करके 3 2s are 6, अब ये भी 2 प्राइम नंबर आ गए। तो कंप्लीट 3 × 7 × 2 या 2 × 3 × 7 होगा। तो ये अब इसके प्राइम फैक्टर आ गए हैं। प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हम डिवीजन मेथड ये वाला यूज़ करते हैं। हमने इस तरह 315 ये अब अगर ये वाली एग्जांपल हमें दी गई है। अब ये देखें कि सम ऑफ डिजिट्स देखते हैं कि अब इवन नंबर तो नहीं है, तो यहाँ 2 से डिविजिबल नहीं होगा। और ये भी याद रखने के बाहर हम सिर्फ प्राइम नंबर्स लेके आते हैं। ठीक है, क्योंकि प्राइम फैक्टर निकालने हैं तो सिर्फ प्राइम नंबर्स ही बाहर रखे जाएंगे। तो इवन नंबर नहीं है तो 2 तो नहीं होगा। अब 3 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि सम ऑफ डिजिट्स क्या होता है, 5 + 1 6 + 3 9 9, 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरा नंबर डिविजिबल बाई 3 होगा। अब 3 1 is 3 किया, इस 3 के लिए क्या किया, 3 1 is 3। अब नेक्स्ट 15 पूरा मिलाना है ना, क्योंकि 3 5s are 15 होता है। नेक्स्ट पूरा मिलाने के लिए इसको 2 डिजिट मिलाए हैं ना, तो सेंटर में 0 आ जाएगा और 3 5s are 15। ठीक है, अब नेक्स्ट 105 आ चुका है, 5 + 1 6, ये भी अब डिविजिबल बाई 3 अभी भी है। अब 3 3s are 9, टोटल 10 था ना, 3 3s are 9, 10 में से एक रह गया, उसने इस 5 से मिला के 15 बना दिए, 3 5s are 15। ठीक है, अब 5 7s are 35 और लास्ट में हम लोग खुद ऐसा स्टेप करेंगे 7 1 is 7 वाला। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स जो हैं वो हमें इस तरह शो होंगे। आप इसको अब 3 2 टाइम है ना, तो उसकी 3 की पावर 2 करके भी लिख सकते हैं, और × 5 × 7 बाद में लिखते हैं, तो दोनों मेथड ठीक किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की डेफिनेशन या उसको हाईलाइट किया है कि वो क्या होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज आल्सो कॉल्ड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, GCF या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, GCD
यूजली हम ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर इसके लिए डेफिनेशन यूज़ कर देते हैं कि अगर लिस्ट ऑफ नंबर्स हमें दिए गए हैं, कोई भी नंबर दिए 16 और 24 दिए गए, इसके सारे फैक्टर लिखेंगे और देखेंगे कि कॉमन फैक्टर में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। जैसे यहाँ पे 1 कॉमन है दोनों में, 2 भी कॉमन है, 4 कॉमन है और 8 कॉमन है, लेकिन इन सब में जो हमारे पास जो बड़ा नंबर है वो 8 जा रहा है ना, इट्स मीन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8 होगा। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करें। को प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन है या को प्राइम्स की डेफिनेशन है ये। इफ़ एच सी एफ ऑफ टू नंबर इज़ 1 दैन द नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम। इसकी पहचान ये है को प्राइम नंबर्स की कि अगर हमें दो नंबर दिए गए हैं ना, उनमें से एक प्राइम नंबर है। जैसे अगर हमें 7 एक नंबर दिया गया और दूसरा 24 दिया गया, अब ये वाला प्राइम नंबर है ना, तो ये दोनों को प्राइम कहलाएंगे। एक प्राइम नंबर होने की वजह से इनका एच सी एफ 1 आएगा। और अगर हमें दो कंपोजिट नंबर दिए गए जैसे 8 और 6 है, इनके प्राइम फैक्टर निकाल के फिर सारा प्रोसीजर करके ऐसे वाला प्रोसीजर करके देखना पड़ेगा। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म सिर्फ प्राइम नंबर्स के लिए। अगर हमें एक सेट में से नंबर प्राइम एक दिया गया ना, तो वो फिर सेट एच उसका को प्राइम कहलाएगा, क्योंकि उसका एच सी एफ 1 होगा। तो 7 24 वाला पेयर क्या होगा, को प्राइम। ठीक है, ये वाला को प्राइम होगा, लेकिन इसके बारे में फिर चेक करना होगा हमें फैक्टर लेके। अब जब 8 की फैक्टर निकाले तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़र 4 4 2 ज़र 8 ही होता है ना, और 6 के लिए अभी हमने देखा 3 2 ज़र 6 होता है, तो कॉमन इसका एच सी एफ 2 आ गया। अब 2 एच सी एफ आने की वजह से ये नॉट को प्राइम होगा, 8 6 को प्राइम नहीं है, लेकिन 7 और 24 को प्राइम पेयर है। किस वजह से, क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर उसके अंदर था। अब एच सी एफ फाइंड करने के दो मेथड होते हैं, बाई फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन, लॉन्ग डिवीजन, और इससे पहले हमने बाई फैक्टराइजेशन सिंपल फैक्टर्स निकाल के भी की है। यहाँ पे इनमें आपको सिंपल फैक्टर बताए हुए हैं, जैसे 27 और 6, ये वाली एग्जांपल जो मैंने बताई है। यहाँ पे ये वाला मेथड है बाय राइटिंग डाउन देयर फैक्टर्स, उस फैक्टर में कंपोजिट फैक्टर भी आ सकते हैं, प्राइम फैक्टर भी। ठीक है, यहाँ पे जो फैक्टर है ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, जिसमें हमें ये डिवीजन मेथड करके सिर्फ प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो यहाँ पे 54 के फैक्टर कैसे आएंगे, ये इवन नंबर है, 2 2 ज़र 4, टोटल 5 था, 1 रिमाइंडर आ गया, इसने 14 बना दिया, 2 7 ज़र 14। अब 3 27 के लिए 3 9 ज़र 27 बनाता है, और 9 के लिए 3 3 3 ज़र 9 होता है, 3 1 3 होता है। फिर तो इसके फैक्टर लिख लिए, 108 इवन नंबर है, 2 5 ज़र 10, 2 4 ज़र 8। नेक्स्ट 54 वाला तो आगे फिर वही सारा प्रोसीजर आ गया, 144 के लिए इवन नंबर है, 2 7 ज़र 14, और लास्ट पे ये 4 बच गया है, 2 2 ज़र 4, ये फिर इवन नंबर है, 2 3 ज़र 6, 1 रिमाइंडर है, 12 बना दिया इसने, 2 6 ज़र 12, ये फिर 36 इवन नंबर है, 2 1 2, 1 रिमाइंडर है, 16 बना दिया इसने, 2 8 ज़र 16, 2 9 ज़र 18, 3 3 ज़र 9, 3 1 3। इनके फैक्टर सारे लिखे, इनके कॉमन फैक्टर आ रहे थे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 2 ज़र 6, 6 3 ज़र 18, तो एच सी एफ हमारे पास क्या आ गया, 18 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो पॉइंट देखिए, एच सी एफ इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द लोवेस्ट पावर ऑफ द कॉमन प्राइम फैक्टर्स। इस मेथड में हम पिछली क्लासेस में ये वाला मेथड करते आए हैं, इसमें एक न्यू मेथड ये दिया गया कि पावर्स की फॉर्म में जब लिखा जाता है ना, ये 2 तो सिंगल है, एक ही दफ़ा लिखा, 3 टाइम है तो 3 की पावर 3 लिख दिया। अब 2 टाइम था ना, 2 की पावर 2 लिखा, और 3 टाइम था तो 3 की पावर 3। अब यहाँ 2 4 टाइम लिखा हुआ है तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई, 3 2 टाइम लिखा हुआ है तो 3 स्क्वायर। जब इस तरह पावर्स की फॉर्म में हम लिखते हैं ना, तो एच सी एफ के लिए ये वाला प्रोसीजर यूज़ करते हैं। एच सी एफ इस वक्त क्या होता है, लोवेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर। लोवेस्ट पावर 2 की क्या जा रही है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है क्योंकि सिंगल था, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 4 है, तो लोवेस्ट पावर 1 वाली है ना, तो एच सी एफ लिखते हुए हमें 2 की पावर 1 वाला लिखना होगा, लोवेस्ट पावर लेनी होगी। अब 3 की पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 की पावर भी 3 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, तो लेस किधर है, यहाँ पे है ना, जो एच सी एफ लेना होगा उसमें 3 की पावर 2 लेनी होगी। अब 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही होता है, 3 की स्केयर का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई 3, और फिर हमारी ये वाली फॉर्म नहीं आ गई, ये फिर 18 बना देगा, तो आंसर हमारे पास इसका क्या आ गया, 18 आ गया। ठीक है, तो ये दोनों मेथड हम यूज़ करते हैं, हम ये भी कर सकते हैं और ये वाला पावर्स वाला मेथड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एच सी एफ बाई लॉन्ग डिवीजन होता है मेथड। अब यहाँ पे हमें दिया गया, अगर हमें 2 नंबर दिए गए हैं, इफ़ 2 नंबर्स आर गिवन, इफ़ 1 इज डिविजिबल बाई दी अदर, दैन द स्मॉलर नंबर इज एच सी एफ ऑफ द गिवन नंबर्स। जैसे एग्जाम्पल है, इसको देख के समझे कि अगर 8 और 16 दिया गया ना, तो अब देखें 16 8 से डिविजिबल है ना,
तो जिससे डिविजिबल होता है तो यही एच सी एफ आ जाता है, तो एच सी एफ क्या आ गया 8। अब 10 3 30 होता है ना, तो यानी 30 10 से डिवाइड हो सकता है, तो 10 क्या होगा इसका एच सी एफ होगा। ठीक है, तो भाई लॉन्ग डिवीजन मेथड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैं आपको समझाऊंगी, फिर ये एग्जांपल्स आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, अब एक्सरसाइज 4 है, स्टार्ट करते हैं कॉपी पे। सबसे पहले हमने 360 पहला क्वेश्चन हमें गिवन था, 360 रखा, इवन नंबर है, लास्ट पे 2 हमें मिल रहा है ना, तो 2 से डिविजिबल स्टार्ट करेंगे। 2 1 is 2, 1 रह गया, 16 बना दिया इसने, 2 8 are 16। अब 0 सॉल्व नहीं हो रहा ना, तो यहाँ पे 0 एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट फिर इवन नंबर है 2 से करेंगे, 2 9 are 18 पूरा हो गया ना, और लास्ट में 0 नहीं सॉल्व हुआ, एज इट इज़ नीचे आ गया। नेक्स्ट आप देखें फिर इवन नंबर है 2 4 are 8, टोटल 9 थे ना, 1 बच गए, 2 5 are 10। अब ये 5 + 4 क्या 9 आ गया, इट्स मीन 3 से डिविजिबल है। 3 1 is 3, टोटल 4 थे, 1 रिमाइंडर आ गया, 15 बना दिया इसने, 3 5 are 15। अब ये फिर 3 5 are 15 होता है, और लास्ट में 5 1 is 5। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर इनको लिख लेना हमने, इसके प्राइम फैक्टर इस तरह मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में ये सारे लिख लेने हैं। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 663, तो ये सिंपली हमें नज़र आ रहा है ये 3 से डिविजिबल है, ऑड है ना, तो 2 से तो नहीं हो सकता था, 3 2 are 6 3 2 are 6, 3 1 is 3। अब ये वाला नंबर है ये स्पेशल है, ये 13 से होगा। ठीक है, 13 1 is 13, क्या टोटल 22 थे ना, 13 1 is 13, 22 में से 13 निकाले तो हमारे पास कितने रह गए, 9 आ गए, ये 91 बना दिया, 13 7 are होता है 91, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, और 17 प्राइम नंबर है, 17 1 is 17 होता है, तो इसके प्राइम फैक्टर 3 × 13 × 17 लिख दिया। अब ये इवन नंबर है, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 2 are 4, 1 रिमाइंडर, 2 5 are 10, 1 रिमाइंडर, 2 9 are 18, 2 2 are 4। ठीक है, नेक्स्ट फिर 2 1 is 2, 2 2 are 4, 1 रिमाइंडर, 2 9 are 18, 1 रिमाइंडर, 2 6 are 12, फिर 2 6 are 12, 2 4 are 8, 1 रिमाइंडर, 2 8 are 16, फिर 2 से करेंगे, 2 3 are 6, 2 2 are 4, 2 4 are 8, फिर इवन है, 2 1 is 2, रिमाइंडर आ गया 1, 2 6 are 12, 2 2 are 4, 2 8 are 16, 2 1 is 2। अब 81 से 2 से नहीं हो सकता, अब ये 3 से होगा, 3 2 are 6, 2 रिमाइंडर था, 3 2 7 are 21। अब ये 3 9 are 27 होता है, 3 3 are 9 होता है, और 3 1 is 3। अब लाइन सबकी लगा ली है मैंने, ठीक है, ये लगानी ज़रूरी है, और अब इनके प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, इवन नंबर है 2 से स्टार्ट होगा, 2 1 is 2, 2 3 are 6, 2 9 are 18, 2 1 is 2, 1 रिमाइंडर, 2 5 are 10। अब लास्ट पे 5 है, तो ये 5 से डिविजिबल होगा, 5 2 are 10, 3 रिमाइंडर, 39 बना दिया इसने, 5 7 are 35, तो अब 35 में से 39 निकाले, 4 रिमाइंडर आ गया, ये 41 बना दिए, 5 8 are 40, अब 1 रिमाइंडर, 15 बना दिया, 5 3 are 15। ठीक है, अब ये देखें, ये स्पेशल केस है जो 11 से डिविजिबल होगा, डिविजिबिलिटी टेस्ट 11 का आपको पता है, ठीक है, क्योंकि 7 3 10 होता है, 8 2 10 होता है, 10 - 10 0, तो ये 11 से डिविजिबल है। 11 2 are 22, 5 रिमाइंडर, 58 बना दिया, 11 5 are 55, 3 रिमाइंडर, 33 बना दिया, 11 3 are 33। अब 3 + 2 किया, 5 आ गया, 5 - 5 किया 0, 11 से फिर डिविजिबल है, 11 2 are 22, 3 रिमाइंडर, 11 3 are 33, 23 प्राइम नंबर है, ये 1 टाइम आ जाएगा, यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर लिख लिए।